सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कार्तिक कुशवाहा, यू आर वाचिंग मिस्टर एक्सपेरिमेंट्स। और आज का वीडियो भाई व्हाट इज इनसाइड वाला होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का आज का वीडियो होने वाला है। हम यहाँ पर इस दोनों स्पीकर जो कि टर्बो के हैं और एक डीवीडी प्लेयर, उन दोनों का राज अंदर से देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे स्क्रू ड्राइवर्स और कुछ कटर भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर हमारे दो स्पीकर और डीवीडी प्लेयर भी मौजूद है। बट मैं इसका अंदर का राज दिखाने से पहले कुछ और राज दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर ये देख सकते हो, चूहों ने इसका हाल कुछ ऐसा कर दिया है, इसलिए हम स्पीकर को अंदर से देखने वाले। तो भाई यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस तरीके की कंडीशन में। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से वो इतना आवाज़ करता है। तो यहाँ पर मैं ये वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता हूँ, तो चलिए फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर वो मशीन वाला स्क्रू ड्राइवर होता तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा इजीली और काफ़ी ज़्यादा फास्टली इस स्पीकर को निकाल पाते इस बड़े स्पीकर से। बट कोई नहीं, यहाँ पर हम इस वाले स्क्रू ड्राइवर से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है। और भाई यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो हमारा स्पीकर है वो यहाँ पर खुल चुका है, और यहाँ पर जो साइड में आप देख सकते हो करीब 4 स्क्रू इसके अंदर से निकला है। और जो कमाल की बात इसके अंदर से मुझे ये देखने को मिलती है कि इसके अंदर जो कि केबल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ, इसकी जो केबल की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, करीब के आसपास तो आ ही जाएगी। तो यार ये मुझे कमाल की चीज लगने वाली मतलब लगी। और इसके अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो इसके अंदर हमें एक ही स्पीकर मतलब बड़े स्पीकर के अंदर एक और छोटा स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर टर्बो का मोनो लगा है। और आपको मैं एक बात बता चुकी, जो टर्बो कंपनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिच और काफ़ी बड़ी कंपनी पहले के ज़माने में मानी जाती थी। तो यहाँ पर हम इस छोटे वाले स्पीकर को भी ओपन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। तो भाई यहाँ पर हमने इसमें से भी करीब 4 स्क्रू अलग कर लिए हैं। और भाई यहाँ पर हमें जो इस छोटा वाला स्पीकर देखने को मिलता है उसके अंदर भी हमें यहाँ पर 4 स्क्रू देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके के आप वीडियो में देख सकते हो। तो उससे पहले यहाँ पर हम इसे स्पीकर के जो बॉक्स होता है उसमें नज़र डालते हैं। तो भाई स्पीकर के बॉक्स में हमें कुछ इस तरीके का एकदम बस लकड़ी 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 ही देखने को मिलती है, एकदम बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है ये बॉक्स। और यहाँ पर आप बड़ा स्पीकर देख सकते हो जिसकी हालत चूहे ने कुछ इस तरीके से कर सकती है। और मैं यहाँ पर आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, तो बैक साइड से यहाँ पर एक मैग्नेट लगी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से आयरन की चीजों को मतलब अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहा है। तो भाई ये कमाल की चीज है, मतलब कि मैग्नेट से यार किस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो काम वर्क करती है। तो ये सारी चीजें हमें इस स्पीकर के अंदर देखने को मिलती है। और भाई यहाँ पर हम इस छोटे वाले स्पीकर को भी ओपन कर लेते हैं, तो चलिए फटाफट से इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं यार इस छोटे वाले स्पीकर के अंदर क्या निकलता है। आई थिंक इसके अंदर भी काफ़ी कमाल की चीज़ निकलनी चाहिए। और भाई यहाँ पर ये देख सकते हो जो छोटा वाला स्पीकर है उसके अंदर हमें और भी छोटा स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब कि यार गजब यार टर्बो यार गजब कहाँ काम करती है। मतलब कि चलिए यहाँ पर ये वायर की लेंथ देख रहे थे, वायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और भाई यहाँ पर जो मेरे पास सेकंड स्पीकर है वो भी मतलब कि उसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू टाइप लग रहा है। तो भाई यहाँ पर अब बात करते हैं हमारे डीवीडी प्लेयर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी मतलब कि एकदम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड डीवीडी है। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं यही वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने जितने भी स्क्रू को अपने माता पिता से अलग किया है वो भाई इसी स्क्रू ड्राइवर का काम है, तो इसे वीडियो एंड पे बहुत ही ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि हमने डीवीडी में से करीब 5 स्क्रू को अलग कर लिया है। और भाई इस डीवीडी के ऊपर की जो प्लेट है उसे निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो भाई यहाँ पर मैं बड़ी मेहनत से इसे ओपन कर लेता हूँ और भाई यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी वायरिंग्स और काफ़ी सारी मशीन्स लगी है। तो भाई ये काफ़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ मतलब कि प्लेट्स लगी, जो कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कुछ इलेक्ट्रिशियन या फिर इंजीनियर नहीं हूं, तो मुझे ये सारी चीजें का पता होगा मतलब कि नॉलेज होगा। बट यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो वायर है वो काफी ज्यादा यूनिक वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और मैं आपको इसके बेस और सब हर तरह से इसे चारों तरफ से इसे कवर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर ये जो 3 जो आप मतलब कि वॉइस कंट्रोल देख रहे हो, इससे जो कि वॉइस कंट्रोल होती है वॉइस की और एक है बेस की। और जो भाई यहाँ पर जो डीवीडी का मेन पार्ट होता है वो है भाई ये वाला पैनल। तो भाई इससे क्या होता है, यहाँ पर हम जैसे ये बीच वाले बटन को प्रेस करते हैं वैसे यहाँ से हमारी जो स्लाइड है वो बाहर आती है। देन यहाँ पर हम अपनी डीवीडी को पुट करते हैं, देन वापस से प्रेस करते हैं, तो भाई डीवीडी अंदर चले जाती है। और आई थिंक ये सारा काम इसी मोटर की वजह से होता होगा। और आपको ये बात के हैरानी होगी कि जो CNC मशीन है, आप यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी CNC मशीन बनाने की मतलब वीडियोज़
मिल जाएगी, तो भाई कुछ सीएनसी मशीन इस डीवीडी प्लेयर से भी बनती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एक्सपेरिमेंट के साथ साथ नॉलेजेबल टिप्स और फन बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पर बैक की बात करें, तो यहाँ पर आप जो कि गेम पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर आप जो अपने गेम है उसे अटैच कर सकते हो। देन ये जो स्लाइड देख सकते हो, इसे आप अपनी टीवी या फिर किसी भी एलसीडी में अटैच कर सकते हो। और भाई जो मेन डीवीडी किस लिए बनी है, वो इसीलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर आप अपने स्पीकर को अटैच कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर आप करीब 4 स्पीकर को ओनली अटैच कर सकते हो, और ये जो है वो पावर सप्लाई का है, ताकि हमारी जो डीवीडी है उसमें पावर अंदर से चला जाए। तो भाई इस वीडियो में मैंने जो अपनी डीवीडी है उसे चारों तरफ से कवर करने की कोशिश की और आपको सारी चीज डिटेल में बताई है। तो आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहिए मिस्टर एक्सपेरिमेंट।